बुरहानपुर के शनवारा में शादी समारोह में सोने चांदी और रुपए से भरा बैग चोरी हो गया है। साथ ही रिसेप्शन का वीडियो सामने आया है जिसमें बेटी के रिश्तेदार परिचित और मेहमानों से मिले नेक के 1 लाख रुपए से अधिक की राशि और सोने की अंगूठी रखी हुई थी। इसके बाद पिता राजेश शाह ने इस चोरी की शिकायत कोतवाली में की थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। हम लोग फोटो क्लिक करवाने के लिए फोटो क्लिक करवा लिया। उसके बाद जैसे ही मैं स्टेज पे गई देखा तो मुझे बैग नज़र नहीं आया। वैसे ही मैंने पापा को जाके बोला और फिर हम लोगों ने कैमरास वगैरह चेक किए। हमारे वाड़ी परिसर में कैमरास लगे हुए थे, हमने कैमरा चेक किए तो हमको उसका क्लिप मिल गया। चोर का कैप्चर हो गया है, जिसने भी चोरी किया है उसका फोटो कैप्चर हो गया है। इसी प्रक्रिया के अंदर मेरे फादर बहुत ओल्ड है, उनको फैमिली के साथ फ़ोटो लेना था तो मैंने दूल्हा और दुल्हन को नीचे उतरवाया। क्योंकि मेरी बेटी टीके का कलेक्शन कर रही थी और मैंने बेटी को बोला कि बेटा नीचे आ जाओ, बस 2 मिनट के अंदर बैग गायब हो गया। कल एक व्यक्ति जो है वो अपनी बच्ची के साथ में आया था, जिसके द्वारा बताया गया कि 1-1.5 महीने पहले उसकी बेटी के साथ में कुछ ठगी हुई थी, तो उसके संबंध में साइबर सेल को मार्क कर दिया गया है। पहले हमारा प्रयास रहेगा कि उस ठगी के बारे में अगर कहीं पे कोई पैसा अटका हुआ है तो उसको उसके ऊपर कार्यवाही की जाए और साथ साथ में उसमें FIR के निर्देश दे दिए गए।